हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुशील सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 12 के चैप्टर 2 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज का टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की या विभव की गणना करना। आज का टॉपिक क्या है? वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अक्षीय स्थिति में पता होना चाहिए अक्षीय स्थिति क्या है। तो इसके पहले वीडियो में अपन ने देखा था अक्षीय स्थिति में क्या कहते थे कि वैद्युत विभव है तो किसकी गणना करना पड़ेगी, विभव की। तो विभव कहाँ पर स्थित होना चाहिए? बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित होना चाहिए। जब बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होगा तभी तो अपन इसको क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति में। तो परिभाषा अपन क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, जिस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है वह वैद्युत विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपन व्यंजक की, जिसमें आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। मान लीजिए ए बी एक वैद्युत विध्रुव हो जाएगा। जब वैद्युत विध्रुव है तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ए बी एक वैद्युत विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2L। विद्युत विध्रुव का ये केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगी, ये L हो जाएगी। ठीक है, विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु क्या हो जाएगा, अक्ष में ही एक बिंदु P है। ठीक है, अक्ष में ही एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करना है। तो जैसा कि इसमें देखा वही हमें भाषा में लिख देना है। अपन भाषा में लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना। ठीक है, अपन ने देखा क्या है, प्लस की माइनस की आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी, L प्लस L अर्थात 2L है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन को क्या लिखना है, द्विध्रुव के केंद्र O से R, देखा ना, जो केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है या वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपनी भाषा में हो गई जो अपन ने यहां पर किया है। अब इसके बाद आते हैं अपन, क्योंकि ये वैद्युत विध्रुव में है, अपन ने क्या देखा था, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु आवेश ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब बिंदु आवेश के कारण हो जाएगा तो पहले हमें देखना है प्लस क्यू आवेश के कारण, इस पर बिंदु पी पर वैद्युत विभव, फिर देखना इसको क्या करते हैं अपन, दो भागों में तोड़कर बनाते हैं, दूसरा फिर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
बी भाव, ठीक है, आप प्लस क्यू आप इसके कारण पैंतीस विभव देख रहे हैं, तो विभव आपका मान लीजिए पहला आपका क्या हो जाएगा बी वन बराबर, ठीक है। अपन ने देखा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए, इसके पहले मैंने देखा था उसमें क्या आया था भी बराबर कितना आया था आपका 1/4 पाई ε0 और ये Q/R यही आया था, ठीक है। तो ये तो अपन जानते हैं, आप यहाँ पर एक बिंदु आवेश क्या है आपका प्लस क्यू, तो यहाँ से यदि देखें तो यहाँ पर क्या जाएगा भी वन, इसके लिए मानेंगे भी वन, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई ε0, ठीक है। अब इंटू क्यू अपान, अब यहां से यहाँ के बीच की दूरी देखना है, तो यहाँ यहाँ से यहाँ क्यू अपान आर अर्थात क्या की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी ए से बी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, चूंकि अपन यहाँ पर देखेंगे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी ए से बी, ठीक है, कितनी हो जाएगी ए से बी। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज याद रख लेना है, प्लस क्यू आवेश के कारण है तो प्लस हमें आवेश लेना है, ठीक है, क्या लेना है आवेश आपके यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिए जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने चूंकि प्लस के लिए लिया है इसलिए प्लस यहाँ पर लिखते नहीं, ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मली प्लस तो ही देता है जब कोई संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ए पी। अब क्यों लेते हैं, चूंकि अपन ये कौन सी राशि है आपकी अदिश राशि, विभव कौन सी राशि है अदिश राशि है, जबकि तीव्रता में ये चीज नहीं लेते हैं, क्योंकि तीव्रता कौन सी राशि होती है आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है, मतलब जो चिन्ह होते हैं वो उसकी दिशा बताते हैं, जबकि ये आपकी अदिश राशि, इसलिए यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं जो आवेश है उनको चिन्हों सहित ही लेते हैं, ठीक है, क्यू अपॉन ए पी। अब हम ए और पी का मान निकालते हैं, ठीक है, जब ए पी का मान निकालते हैं तो सीधा सीधा हमें ए पी बराबर ए से पी का मान निकालना है, ये तो हमें पता नहीं है, जबकि अब यहां से जबकि ओ से ए का मान यदि देखें तो एल है, ठीक है, ओ से पी का मान देखें ये आर है, हमें जबकि ए पी का मान नहीं पता है, तो अपन क्या कर देते हैं टोटल ओ से पी ले लेते हैं और इसमें ओ से ए घटा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा ए से पी का मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे ओपी माइनस कितना हो जाएगा आपका ओए, ठीक है, अर्थात ओ से पी कितना है आपका आर, ठीक है, ओए कितना है आपका तो माइनस में रहेगा कितना है ये एल, तो एल ये मान उठा के हम यहां रख देंगे, जैसे हम यहां पर रखेंगे तो भी वन बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 और ये रहेगा क्यू अपान ये हो जाएगा आर माइनस एल, कितना हो जाएगा आर माइनस एल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी अपन ने किसके कारण देखा था प्लस क्यू आवेश के कारण, अब हमें देखना है माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, तो देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, वैद्युत विभव या विभव, ठीक है, तो इसके लिए हम विभव क्या मान लेंगे दूसरा भी टू, ठीक है, वैद्युत विभव हो गया। अब यहां पर आपका कितना आ जाएगा, चूंकि अपन ने वही देखा वैद्युत विभव के लिए 1/4 पाई ε0 और यहाँ पर चार्ज सहित आ जाएगा ये माइनस क्यू और अपान में कितना हो जाएगा आर, बस आता मतलब दूरी, तो दूरी हमारी यहां से हो जाएगी कितनी बी से पी, तो हमारा ये हो जाएगा बी पी, ठीक है, इस पर नहीं चढ़ाते चूंकि अपन ने इसके पहले वैद्युत विभव की गणना की थी बिंदु आवेश के कारण, वहां पर आपका क्या था वर्ग नहीं आया था, इसलिए अपन यहाँ भी क्या करते हैं वर्ग नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसी को फिर अपन सॉल्व करते हैं, तो आपका आ जाता है ये वी टू बराबर 1/4 पाई ε0 और ये हो जाएगा माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा आपका और ये हो जाएगा क्यू अपॉन बी पी, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या कर लेते हैं बी और पी का मान निकाल लेंगे, तो बीपी बराबर सीधा सीधा अपन देखें बीपी बराबर, ठीक है, बीपी बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट बी से पी का मान तो हमें नहीं पता है, जबकि ओ से पी का पता है और यहाँ ओ से बी का पता है, तो क्या करेंगे ये मान ले लेंगे और इसमें ये जोड़ देंगे, तब आपका बी से पी का मान निकल आएगा, तब अपने क्या हो जाएगा ओपी, ठीक है, ओपी और प्लस कितना हो जाएगा ओपी तो हो गया और प्लस में कितना हो जाएगा ओपी, ठीक है, अर्थात ओपी और ओपी का मान कितना है आपका आर, तो ये हो जाएगा आर और प्लस ओबी का मान कितना है ओ से बी का मान है एल, तो आपका ये हो जाएगा एल, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है ये सब वैल्यू उठा के रख देना, तो यहां से जैसा आता है तो आपका यहां तक हो जाएगा वी टू बराबर, ठीक है, वी टू बराबर ये है आपका -1/4 पाई ε0 और ये कितना आ जाएगा क्यू अपॉन
टू तो है ही है, बीपी का मान आपका कितना है आर प्लस एल, तो अपन ये रख देते हैं आर प्लस एल, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आर प्लस एल हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या किया था, इसको दो भागों में, पहले इसके द्वारा निकाला फिर इसके द्वारा वेव को निकाला, अब हमें परिणामी वेव निकालना है तो इन दोनों के वेवों का योग करा देंगे, ठीक है। जब दोनों का योग हो जाएगा तो इक्वल वैद्युत विभव का, ये सॉरी इक्वल वैद्युत विद्रोह के कारण बिंदु पी पर विभव निकल आएगा, ठीक है। तब हमें परिणामी विभव अपन निकालें, तब परिणामी विभव या कुल विभव, तब परिणामी विभव, ठीक है, या वैद्युत विद्रोह के कारण कुल विभव, ठीक है। कुल विभव कितना हो जाएगा, वी बराबर वी वन प्लस वी टू, अर्थात इसका जो विभव निकला है और इसका जो विभव निकला, दोनों के विभवों का योग हो जाएगा तो कुल क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत विद्रोह के कारण विभव निकल आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन समीकरण नंबर एक से रख देते हैं और समीकरण नंबर दो से, तो यहाँ पर भी बराबर आपका समीकरण नंबर एक में क्या आया, तो 1/4π ε₀, तो 1/4π ε₀, और ये हो जाएगा इंटू क्यू, और अपॉन में कितना है आपका आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर अपन लगाएंगे चिन्ह प्लस, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस 1/4π ε₀, और ये रहेगा क्यू अपॉन, ये हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस ये हो गया, ये आपका हो जाएगा भी बराबर 1/4π ε₀, ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस एल, और साथ साथ में प्लस माइनस अर्थात माइनस 1/4π ε₀, और साथ साथ में क्या हो जाएगा इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन मिलेगा अपन को, जो सेम मिल रहा है वो अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो सेम मिलने के लिए यहाँ पर हो जाता है वी बराबर 1/4π ε₀, ये मिल रहा है और साथ साथ में क्यू भी मिल रहा है, जब क्यू मिल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा आपका, एक 1/1 और बटे में हो जाएगा आर माइनस एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/2 में हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। इतना हो गया, अब इतना होने के बाद थोड़ा सा और अपन आगे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो यहां तक तो बन जाएगा, यहां तक बनने के बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, अब देखो भी में देखेंगे अपन, तो भी बराबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4π ε₀ है, ये तो कॉमन ही रहेगा, क्यू अपॉन 4π ε₀, और साथ साथ में अब इसका एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल आर प्लस एल दोनों आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल और ये हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। तो आर माइनस एल आर प्लस एल जो दोनों हो जाएगा, इसका यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल, ठीक है। कितना हो जाएगा आर प्लस एल, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ सॉरी त्रिक गुणा ये यहाँ और ये यहाँ आएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका आर माइनस एल, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे अपन, तो भी बराबर ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4π ε₀, और ये आपका कितना आ जाएगा आर प्लस एल माइनस आर और प्लस एल, ठीक है। इतना हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका अब देखें आर से आर कट जाएगा, ठीक है, तब आपका बचेगा भी बराबर क्यू अपॉन 4π ε₀, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस एल अर्थात 2L अपॉन R² - L², ठीक है। यहाँ तक बन जाएगा, अब यहाँ तक बनने के बाद थोड़ा सा और बचता है अपना, तो थोड़ा सा अपन एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे आपका बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका भी बराबर, ये आपका आया 1/4π ε₀, ये रहेगा क्यू इंटू, इसको अपन एडजस्ट करेंगे क्यू इंटू 2L अपॉन में हो जाएगा R² - L² फिर चूंकि एक चीज पढ़ी है अपन ने, क्या पढ़ी है क्यू इंटू 2L बराबर कितना होता है P, वैद्युत विभव आघूर्ण, तो ये मान हमें उठा के यहाँ पे रख देना है, और भी बराबर 1/4π ε₀
एस लॉग जीरो ये तो रहेगा ही क्यू इंटू टू एल, अर्थात ये हो जाएगा आपका पी और अपान में ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा वैद्युत विभव के लिए गणना हो जाएगी। ठीक है, किसी बिंदु आवे किसी अपन क्या कहेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना तो आपको यहाँ तक। अब यदि देख ले वैद्युत ध्रुव छोटा है, ठीक है, यदि वैद्युत ध्रुव छोटा है तो यहाँ पर छोटा, यदि वैद्युत ध्रुव छोटा हो गया तो एल आपका क्या हो जाएगा, यदि वैद्युत ध्रुव छोटा है अर्थात एल लेस देन लेस देन आर, मतलब एल छोटा से छोटा है आर से। देखिए पहले अपन वैद्युत ध्रुव में पहले ही देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव में जो होती है वो अल्प दूरी ले ली जाती है, और छोटा मान लिया मतलब बहुत कम दूरी हो गई, जब बहुत कम हो गई तो यहाँ पर इसीलिए एल लेस देन आर अर्थात एल छोटा से छोटा है आर से। ठीक है, जब एल से छोटा है आर से तो एल को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, नगण्य मानने वाला। ठीक है, जैसे एल को नगण्य मानते हैं तब आपका यहाँ पे बचता है वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो रहेगा ही इनटू, और यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन आर की पावर 2। ठीक है, चूंकि एल को अपन ने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, यही वैद्युत, यदि आपसे कहा जाए वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना है, तो यही आपका क्या है वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव की गणना के लिए फॉर्मूला या व्यंजक है, सूत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट कैसी लगी मेरी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।